गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक एंड गो टू द पेज नंबर 72। पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज हियर, सपना सेज। सो वी हैव टू पुट हियर एडजेक्टिव, सुटेबल एडजेक्टिव्स। ओके, सो सपना सेज मैथमेटिक्स इज द फ्लिंदा ब्लैंक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सो क्या होगा, ईजी का क्या हो जाएगा, सुटेबल एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ईजीएस्ट। ओके, ई ए एस वाई ई, सॉरी आई ई एस टी, आई ई आएगा। ओके, दिस इज आई ई एस टी, ईजीएस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। नाउ सेकेंड वन इज प्रिवेंशन इज, प्रिवेंशन इज फ्लिंदा ब्लैंक्स देन क्योर। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन, बेटर गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, बी ई डबल टी ई आर, बेटर देन क्योर। थर्ड वन इज देयर इज लेसर, लेसर क्यों आएगा, लेस का क्या हो जाएगा, लेसर वाटर इन द रेड टैंक देन इन द ब्लू वन। ओके, फोर्थ वन, अवर प्रिंसिपल इज, अवर प्रिंसिपल इज गुड का क्या हो जाएगा, बेस्ट। ओके, अवर प्रिंसिपल इज बेस्ट। फिफ्थ वन इज नोल इज द फ्लिंदा ब्लैंक्स चाइल्ड ऑफ द क्लास। सो ब्राइट का क्या हो जाएगा, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट चाइल्ड ऑफ द क्लास। सिक्स्थ वन इज अप्रैल, अप्रैल इज अ हॉट फ्लिंदा ब्लैंक्स मंथ देन मार्च। सो हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट। ओके, हॉटेस्ट मंथ देन मार्च। नाउ रीड द फॉलोइंग्स, रीड द फॉलोइंग्स, यू नो दैट वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब एंड कॉल्ड कॉल्ड एडवर्ब। द एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एक्शंस आर डन। सो एडवर्ब मीन्स क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस, एडवर्ब क्या होता है, मैनर्स टेल अस हाउ एक्शंस आर डन। हाउ एक्शंस आर डन मीन्स कैसे, किस टाइप के एक्शंस हो रहे हैं। एग्जाम्पल इज केयरफुली, केयरफुली क्विकली। ओके, केयरफुली क्विकली। थर्ड है चूज द सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। So, first one is here. Here is given some adverb. देखिए adverb दिए हुए हैं, means neatly, fast, जो मतलब जो actions हो रहे हैं, means so कुछ भी अपन चल रहे हैं, मतलब fast हमारा action हो रहा है। okay, lazily मतलब हम आलस कर रहे हैं, rudely किसी से हम rude बात कर रहे हैं, calmly मतलब हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, calm होकर बात कर रहे हैं, या फिर हम हमारा गुस्सा नहीं हो रहा है। नीटली मीन्स हम नीटली मतलब क्लीन है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द पेशेंट वॉज क्राइंग, द पेशेंट वॉज क्राइंग इन पेन वाइल द डॉक्टर स्पोक टू हर, वाइल द डॉक्टर स्पोक टू हर। क्या कैसे डॉक्टर से बात करेगा, कामली। ओके, जब पेशेंट वॉज क्राइंग इन पेन। ओके ओके, वे आर द पेशेंट इन क्राइंग इन पेन। ओके, पेशेंट क्या है, पेन में है एंड ही इज क्राइंग। सो वाइल डॉक्टर स्पोक टू हर कामली। सेकेंड वन इज नो वन बिलीव दैट रंजीत कुड स्पीक टू रूडली। ओके, नो वन बिलीव दैट रंजीत कुड स्पीक टू रूडली। थर्ड वन इज द मेड फोल्डेड द क्लॉथ्स नीटली, फोल्डेड द क्लॉथ्स नीटली एंड पुट देम इन द वार्डरोब। फोर्थ वन इज चेरी स्ट्रेच्ड फुल लेंथ लेजीली ऑन द बेड, चेरी स्ट्रेच्ड फुल लेंथ लेजीली ऑन द बेड। फिफ्थ वन इज हाउ डिड यू रीच सो फास्ट, हाउ डिड यू रीच सो फास्ट, डिड यू फ्लाई। ओके, नाउ पेज नंबर, गो टू द पेज नंबर 48। Listening and speaking, listening and speaking. So here the sound of I, I. Okay, I का जो sound है
उसको हमको लिसन करना एंड स्पीक ऑल्सो इन द वर्ड सरप्राइज. जैसे देखिए सरप्राइज आई, ओके आई आया ना इसमें, डिसाइड आई आई आया, देखिए आई. एनिमल एनी, ई आया ई. मिनिस्टर मिनी, ई आया देखिए यहाँ पर. नाउ से द वर्ड गिवन ब्लो अराउंड, सॉरी ब्लो अलाउड एंड राइट दैम अंडर द करेक्ट हेडिंग. सो सरप्राइज आई, देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें हमको आई का साउंड लिखकर आना है. आई के साउंड वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो हमको यहाँ पर लिखना है, और इसमें ई के साउंड वाले जो भी वर्ड है हमें वो लिखने. जैसे सरप्राइज आया ई, ई आई, ओके. और एनी, इसमें क्या आया, ई आया एनी. तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो हमको यहाँ पर ऊपर ऊपर कितने आई वाले वर्ड लिखना है, आ ई मतलब अनार का, और ई इस टाइप का आई, ओके आई. तो यहाँ पर हम आई वाले दिन टाई टाई आई आया ना आई, टाइगर, ओके. थिंक कहाँ जाएगा, थिंक नीचे जाएगा क्योंकि थिंक ई आया इसमें. फिर विंड, विंड भी नीचे जाएगा. फिर हाई, तो हाई ऊपर जाएगा, ओके. ब्रिक, ब्रिक कहाँ आएगा, नीचे. माइटी, माइटी ऊपर. सिक, सिक कहाँ आएगा, नीचे आएगा सिक, ओके. एंड बाइट, बाइट आई आया तो ऊपर. इस फिर पाइप, पाइप तो पाइप क्या आएगा, ऊपर. और डिप नीचे, क्लियर. सो रीड द फॉलोइंग्स, रीड द फॉलोइंग्स. द टीचर आस्क अ स्टूडेंट, विनोद गेव द करेक्ट आंसर. द टीचर सेड एक्सलेंट, ओके. वी यूज सर्टन एक्सप्रेशंस टू अप्रिशिएट और ट्रेस समवन. Such expressions are followed by an exclamation mark. Example, wonderful means जो भी expressions होते हैं, means जैसे we will say, we say oh very good, wonderful. So we will use here exclamation mark. This is the exclamation mark. Okay, well done, good job. Okay, you do good. ओके सो वी विल यूज योर एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके तो सेकेंड वन इज सिट विथ योर पार्टनर एंड आस्क ईच अदर द सुटेबल एक्सप्रेशन ऑफ, सॉरी फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन यूज एंड एक्सप्रेशन ओनली वंस. ओके सो यू हैव टू सिट विथ योर पार्टनर एंड आस्क एंड ask each other the suitable expression and for the following situation. Okay, situation के हिसाब से आपको उसके expressions आपको follow करना है. So first है, Nisha gave an excellent dance performance. So which type of expressions give to her? So तो उस type के आपको expressions करना है. Okay, second one is Anoop collected the books and stacked them neatly. Okay, third क्या है, the team has won the game. Okay, so you will say good job, good job. Okay, fourth one is you have helped someone. Okay, you have helped someone. Okay, तो कैसे आप expressions दोगे, तो you have to do expressions. Okay, मतलब आपको करके बताना है कि किस टाइप के आप एक्सप्रेशंस देते हो. फिफ्थ वन इज योर लिटिल सिस्टर रैन एंड ड्रेस एंड कम फोर्थ. ओके सो यू विल से वंडरफुल और यू विल से गुड जॉब. ओके नाउ पेज नंबर 49 राइटिंग. योर डैड बॉट होम अ क्यूट पप last week. Everyone in the house has to think of a name for it. Describe the puppy and write a paragraph on what each one suggests and why. Okay, so here you have to write paragraph. If your dad bought a pup to your home, okay,
सो अगर आपके डैड कोई पप लेकर आए हैं तो आपको किस टाइप से आपको उसको लिखना है. ओके, यू हैव टू यूज़ दीज एडजेक्टिव्स. ओके, तो आप इस टाइप के एडजेक्टिव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें आपके सेंटेंस में. सो माई डैड बॉट होम. किस टाइप से हम पैराग्राफ बनाएंगे? होम वेरी तो स्वीट. ओके, हम यहाँ पे स्वीट का यूज़ करेंगे. ओके, स्वीट ब्लैक एंड वाइट पपी. वी नेम्ड इट ब्राउनी. इट इज वेरी एनर्जेटिक. इट हेयर आर फ्लफी. फ्लफी एंड कर्ली टेल. ओके, सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू हैव टू मेक. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. वी विल लर्न अवर नेक्स्ट चैप्टर इन दिस नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.